चलेगी नहीं चलेगी, तमाशाही नहीं चलेगी। क्या कहना चाहेंगे तावड़े जी, टिकट काट के आपको टिकट दिया गया? नहीं, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के आदेश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने दी हुई इस जिम्मेदारी को मैं निभाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से 1997-98 से जुड़ा हूँ। युवा मोर्चा से लेके जिला अध्यक्ष से लेके मुंबई सरचिटनीस, ऐसे करते करते मैंने भी कार्यकर्ताओं के साथ ये प्रवास किया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, इनके साथ हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निश्चित रूप से जनता के प्रति विश्वास और कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हुए इस जिम्मेदारी को पूरे निभाने की मेरी कोशिश रहेगी। सुबह से कुछ लोग आपका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट आपके नहीं चाहिए, तो उनका भरोसा किस तरह से आप काम करने वाले हैं? उनसे मैं चर्चा करूंगा। बाहरी यानी मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं अगर समझ सकता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से अगर जुड़ा ही नहीं होता तो मैं समझ सकता हूं कार्यकर्ताओं की नाराजगी निश्चित रूप से मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं भी भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, रहूंगा। देश की विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का जो सपना है हिंदुस्तान की नवनिर्मिति का, उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तावड़े जी से क्या कुछ बातें हुई, किस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं? सम्माननीय श्री विनोद तावड़े जी से मेरी बात हुई, लगातार चर्चा हुई, कल भी हुई, आज भी हुई। जैसा उन्होंने भी आपके सामने ये बात दोहराई कि ये पार्टी का आदेश होता है, पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हर पार्टी का आदेश मान्य करता है, और मैं ये मान्य करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आदेश हमें दिया है कि पार्टी का काम बढ़ाने की जिम्मेदारी, जैसे बोरीवली ये पारंपरिक मतदार संघ है, हमारे पूर्व राज्यपाल और हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय रामभाऊ नाईक जी से लेके हेमेंद्र मेहता, गोपाल शेट्टी जी, फिर विनोद तावड़े जी, और हमारे भारी मात्रा में चुन के आए हुए नगर सेवक, सभी के परिश्रम, सभी की मेहनत, सभी की लगन आज भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पे लाई है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। फॉर्म भरो, फॉर्म भरो।